हेलो फ्रेंड्स, इज विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे एनएमसी विल इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज आपके स्टेट काउंसलिंग अपडेट प्लस आपकी पीजी की काउंसलिंग क्या 15th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ऑल्सो ऑन द ईडब्ल्यूएस केस क्राइटेरिया की ईडब्ल्यूएस में क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या फर्दर अपडेट आने वाले हैं, उन चीजों को डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी जो टेलीग्राम चैनल है एडमिशन मीडिया, आप उसको ज्वाइन करके रख सकते हो। अगर आप यूजी के लिए हो तो एडमिशन मीडिया यूजी आप ज्वाइन करके रख सकते हो। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं एनएमसी इंप्लीमेंटेशन को लेकर, और मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोला है कि नो मैटर व्हाट एनएमसी बिल विल बी इंप्लीमेंटेड। और कुछ टाइम पहले जब आपका मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आने वाला था, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखिए जजमेंट नो मैटर व्हाट हो, चीजें सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल क्या स्टेटमेंट होगा वो मैटर किया जाएगा, लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया सॉरी एनएमसी विल इंप्लीमेंटेशन मेनली आपके अलग अलग स्टेट डोमेन के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर वो पर्टिकुलर स्टेट अथॉरिटी चाहता है तो उसको अप्लाई कर सकता है, स्टेट अथॉरिटी नहीं चाहता है तो उसके लिए वो अपने हाईकोर्ट में जा सकते हैं। जैसा कि आपके केरला में देखने को मिला, केरला हाईकोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया। अगर मैं बात करूं मद्रास हाईकोर्ट में जहां पे जजमेंट आया, जजमेंट को भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला कि आप इस बिल को थोड़ा क्लेरिफाई करो। रीजन क्या दिया गया कि 50% तो आप गवर्नमेंट सीट कर दोगे, लेकिन जो रिमेनिंग 50% सीट्स हैं उसकी फीस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वो आपकी वैकेंट जाएगी या बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट। बट एग्जैक्टली अगर आप तमिलनाडु की फीस चेक करोगे, डीम्ड की फीस चेक करोगे तो काफी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू द अदर स्टेट ऑफ और अदर स्टेट ऑफ इंडिया। बात करता हूं क्या एनएमसी बिल का इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा। मैंने आपको काफी सारे वीडियोस में बोले हैं और हमारी इस बार की काउंसलिंग में, एटलीस्ट 2022 की काउंसलिंग में, हमने जो भी वीडियोस बनाए हैं, जो भी आपको अपडेट्स दिए हैं गवर्नमेंट से पहले या बाद में, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो बाकी चैनल से और बाकी चीज हमारी चीजों को कंपेयर कर सकते हो। वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं, आपको यही मिलेगा कि हमने जो भी बोला है 99% तक आपकी चीजें वैलिड हुई हैं, या थोड़े बहुत अप एंड डाउन हो के आपका 10-15% का ही वेरिएशन आया है। मैक्स पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, 5-10% का वेरिएशन है, अदरवाइज सारी चीजें जो भी हमने बताई हैं वो आपकी एज इट इज हुई हैं। हमने नीट पीजी और नेक्स्ट पे भी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। डेट के लिए भी हमने आपको प्रेडिक्शन दे रखे हैं, एनएमसी बिल की चीजें क्या होंगी उस पर भी अगर मैं बात करूं। फर्दर अपडेट ये है कि अभी एमपी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है जिसमें ये क्लियरली मेंशन है कि 50% सीट्स आपकी जो एनएमसी बिल इंप्लीमेंटेशन है उस स्टेट के अंदर हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं मैं क्यों बोलते आ रहा था एनएमसी बिल आपका 100% होगा, देखिए ये आपको ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन है और राइट ऑफ एजुकेशन एज वेल एज राइट ऑफ हेल्थ ये आपका स्टेट डोमेन का मैटर होता है। यहाँ पे सेंट्रल कुछ भी नहीं कर सकती है, सेंट्रल को इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, ये अलग अलग स्टेट डोमेन के ऊपर होगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपके समझने के लिए सिंपल स्टेटमेंट में बोलूं तो आप मान के चल सकते हो इंडिया के अंदर एनएमसी बिल का इंप्लीमेंटेशन तभी नहीं होगा जब आपके सारे स्टेट्स इसके अगेंस्ट हो जाए और सारे स्टेट्स बोल दें कि ये बिल हमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन उड़ीसा ऑलरेडी नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, पांडिचेरी चीजें आपको ऑलरेडी बता रखा है, पंजाब ने डायरेक्टली बोला कि हमारी कोई फी इंक्रीमेंट नहीं होगी, जो 6 लाख पर एनम वाली फीस है उन्होंने बोला कि यही हमारी गवर्नमेंट फीस है। बात करूं एमपी, ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन था काफी टाइम पहले, आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल था जिसपे भी मैंने आपको बोला था, आज क्लियर कट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चीजें अवेलेबल हैं। बात करूं जो बड़े स्टेट्स हैं, अगर आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये बड़े स्टेट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन्हीं स्टेट्स के अंदर अवेलेबल हैं। जब ये रूल आपका बनाया गया था, ये ऑलरेडी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पास होकर आया है, इसको आप कुछ इसमें चेंजेस करा सकते हो, कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन 100% नहीं होगा, ये टोटली इनवैलिड है, ये टोटली रॉन्ग है। जो अलग अलग यूट्यूब पे वीडियो बोल रहे थे, जो यूट्यूबर है, मैं काउंसलर भी नहीं बोलूंगा उन्हें, यूट्यूबर्स जो आपको बता रहे थे एनएमसी बिल नहीं होगा, जो कॉन्टिन्यूसली हर किसी ने बोल रखा था, एग्जैक्टली अगर आप चेक करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, ये रूल है, लेकिन 50% आपके मेजोरिटी स्टेट जरूर रहेंगे जो इसका अगेंस्ट में रहेंगे, लेकिन वही 50% ऐसे स्टेट्स रहेंगे जिनको आप देखोगे कि वो इस सेशन से आपके एक्सपेक्टेशन करके चलेंगे, इस बिल को इंप्लीमेंटेशन करके चलेंगे। एमपी हो गया, यूपी के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि इंटरनल टॉक्स पे चीजें चल रही थी, टेबल टॉक्स चल रहा था, वहां पर पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि अगर एनएमसी बिल आती है यूपी के अंदर तो हो सकता है एनआरआई सीट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लेकिन एनआरआई सीट्स की फीस कैसी रहेगी, क्या रहेगी, क्योंकि यूपी के अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेजेस के जो पुराने वाले हैं वो तो वेल एंड गुड हैं, बट जो नए मेडिकल कॉलेजेस आए हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है वो आप सबको पता है, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप चीजें वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन एनएमसी बिल की अगर मैं बात करूं तो मान के चलो आपकी चीजें रहेंगी, अगर इस सेशन में कुछ स्टेट्स नहीं भी अप्लाई करते हैं तो फ्रॉम 23 वो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपको मद्रास हाईकोर्ट का भी जजमेंट मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया, चीजें क्या हो रही है कैसे हो रही है वो आप सबको पता है। अब अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कोड के क्राइटेरिया, देखिए ऑलरेडी 13th of September से अभी हियरिंग स्टार्ट की जा चुकी है, काफी सारे वैलिड पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि इस बार इस सेशन में ईडब्ल्यूएस पे कुछ बड़ा फैसले को देखने को मिलेगा। लास्ट स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं तो वहां पर यह मेंशन किया गया है कि अगर रिजर्वेशन देना है तो आप कास्ट और बाकी चीजों पर रहो, इकोनॉमिकली सेक्शन पे आप कैसे रिजर्वेशन दे सकते हो, ये लास्ट स्टेटमेंट था। लेकिन एग्जैक्टली ईडब्ल्यूएस के साथ क्या होने वाला है मैं आपको अभी हमें भी नहीं आइडिया, चीजें आपकी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ऑन गोइंग है, सुप्रीम कोर्ट में चीजें कैसे वैलिडेट होती हैं, कैसे पॉइंट्स आते होते हैं आपको विद इन 5 days हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं काउंसलिंग के लिए तो आपकी ऑलरेडी काउंसलिंग जैसा कि टेंटेटिव शेड्यूल आया था 15th of September से स्टार्ट होनी है। आप मान के चल सकते हो कि आपके रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, हो सकता है आपकी सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी जाए 15 इवनिंग और लेट नाइट, अदरवाइज 16-17 तक आपकी सीट मैट्रिक्स भी आ सकती है, देन आपकी चॉइस फिलिंग कराई भी जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं राउंड वन के रिजल्ट की तो रिजल्ट आपका स्टे नहीं लगेगा, उसको होल्ड पे कर दिया जाएगा जब तक आपकी ईडब्ल्यूएस कोर्ट के क्राइटेरिया की जजमेंट नहीं आ जाती। एग्जैक्टली ईडब्ल्यूएस का क्या होना है कैसे होना है इसके बाद ही आपका राउंड वन का रिजल्ट आएगा। तो मान के चल सकते हो आपका 19-20 के बीच के बाद ही आपकी राउंड वन की रिजल्ट आएगी, उसके पहले कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस पेंडिंग है। एनएमसी बिल आपको बहुत जल्द आपको अपडेट्स आने लगेंगे अलग अलग स्टेट से, एमपी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ओपन किया जा चुका है, एनएमसी बिल भी होगा, राजस्थान की ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ओपन किया जा चुका है लेकिन एनएमसी बिल पे अभी कोई अपडेट नहीं है, कर्नाटका अभी एक ऐसा स्टेट है जहां पे एनएमसी बिल तो नहीं है लेकिन ऑलरेडी अप टू अ लिमिट डीम यूनिवर्सिटी की भी सीटें आपकी गवर्नमेंट कोटे की सीटें आती हैं वहां पे, तो वहां पे क्या अपडेट होगा ये देखना होगा। यूपी में आपको ऑलरेडी बता रहा हूं महाराष्ट्र नोटिफिकेशन आना बाकी है, बहुत जल्दी इन सारे स्टेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, किसको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको मैनेजमेंट पे जाना चाहिए या एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एनआरआई सीट लेनी चाहिए, इन सारी चीजों के अपडेट के लिए इन सारी चीजों के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। प्रोसीडिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, राउंड वन में आपको अप्लाई करना चाहिए डायरेक्टली मॉकअप में आना चाहिए, कहां पे पॉजिटिव शिफ्ट होगा निगेटिव होगा यह मैं आपको अपने वीडियोज में बताता रहूंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना, लेकिन अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए देख रहे हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो, क्योंकि विद इन अ वीक आपके मैक्स टू मैक्स विद इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक के मंडे ट्यूजडे तक आपकी राउंड स्टार्ट कर दिए जाएंगे, चॉइस फिलिंग और बाकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको कैसे प्रोसीडिंग करनी है, कैसे चीजें आपको करना होगा, आपको बजट कैसे मैन्युफैक्चर करना होगा और क्या बजट लेके चल रहे हो, इन चीजों के डिटेल के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।